वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आज मैं जाने वाला हूँ हैदराबाद की सबसे मशहूर चीज एक्सप्लोर करने के लिए, सबसे बेस्ट चीज एक्सप्लोर करने के लिए, वो है हैदराबाद की बिरयानी। तो मैं शॉर्टलिस्ट करा तीन सबसे बेस्ट और फेमस होटल्स हैदराबाद के, जिसमें है पेशावर, शादाब और पिस्ता हाउस। ये तीन होटलों को जाऊंगा, देखूंगा उनकी बिरयानी खा के कि सबसे बेस्ट बिरयानी कौन सी है, कॉस्ट के हिसाब से भी और वैसे सर्विसेज के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को, आप लास्ट तक देखते रहिए मेरा ये व्लॉग, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन सी बेस्ट बिरयानी है, जो कि है हैदराबाद की सबसे मशहूर और सबसे टेस्टी बिरयानी। तो ये है मेरा डे 20 स्पेशल एक्सप्लोर, क्योंकि मेरे 20 दिन हो गए एक्सप्लोरिंग चैलेंज स्टार्ट करके, तो मेरा ये डे 20 ऑफ एक्सप्लोर चल रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब मैं निकल रहा हूँ पेशावर के लिए। तो आ गए पहली लोकेशन, पहले गए शादाब को, शादाब अच्छी सीट थी, तो वहाँ से निकल के आ गए पेशावर को। पेशावर की पहले ट्राई करेंगे बोलते। तो ये है फर्स्ट और ये बहुत फेमस है बिरयानी के लिए, तो यहाँ पे ट्राई करके भी हमारे वैसी इसकी बिरयानी। और मेरे साथ अहमद भाई है तो आज मैं गया हैदराबाद के सबसे फेमस बिरयानी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये बोलते हैं ना कि लाइक हैदराबाद को आना तो बिरयानी खा के जाना, तो हैदराबाद की सबसे फेमस चीज़ है बिरयानी। तो बिरयानी दो ही तरीके की रहती, एक चिकन की और दूसरी मटन की। तो फिलहाल मैं हूँ पेशावर के ऊपर और ये बिरयानी वाकई बहुत टेस्टी थी। चावल बहुत अच्छे क्वालिटी के बने हुए थे, चिकन बहुत अच्छे से बनाया गया, मैरिनेटेड किया गया था, तो ये बहुत टेस्टी थी। और यहाँ के रेट को, एम्बियंस को और बिरयानी को मैं दूंगा 4 stars out of 5। तो ये था मेरा पेशावर के ऊपर रिव्यू। सेकंड फेमस बिरयानी एक्सप्लोर करने गया मैं पिस्ता हाउस की। पिस्ता हाउस की बिरयानी वाकई बहुत टेस्टी। और ये पिस्ता हाउस सिचुएटेड है ठीक चार मीनार के सामने के हिस्से पे, तो यहाँ पर आने के बाद ये अभी फ़िलहाल आया हुआ हूँ पिस्ता हाउस, सेकेंड प्लेस है एक्सप्लोर करने बिरयानी की है। और ये ब्रांच यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, ये है चारमीनार के ऑपोजिट की ब्रांच पिस्ता हाउस की, सबसे पुरानी सबसे बड़ी पिस्ता हाउस की ब्रांच है। और इसकी हर चीज़ बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस इसका ब्रोस्टेड चिकन है और सेकेंडली बिरयानी है। और फिलहाल तो मैं ज़ाफ़रानी बिरयानी खाने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पर, तो ये देखना है कि इसकी ये बिरयानी का टेस्ट कैसा है, क्या पेशावर की बिरयानी बीट कर सकता है नहीं या नहीं। मैं आप लोगों को ये खाए बाद बताता हूँ, पहले तो कोई भी ऑर्डर लेने नहीं आया। अभी देखिए मैं आके 2 मिनट से बैठा हुआ हूँ, तो इसका ऑर्डर होने के बाद बिरयानी खा के आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा कैसी इसकी बिरयानी क्या है। पिस्ता हाउस की बिरयानी बहुत बहुत टेस्टी थी, एकदम परफेक्ट बिरयानी बोलते ना वैसी परफेक्ट बिरयानी थी। इसमें ना स्पाइसेस ज़्यादा थे ना स्पाइसेस कम थे, एकदम परफेक्टली मेंटेन थे। और ये बिरयानी मेरे को तो वाकई बहुत अच्छी दिखी और इसको मैं 4.5 stars देता हूँ। और इसके एम्बियंस रेट के हिसाब से इसको भी 4.5 stars देता हूँ। जगह भी अच्छी थी और बैठने की सीटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए ये जगह को, पिस्ता हाउस को मैं देता हूँ 4.5 stars out of 5। थर्ड एक्सप्लोर करने के लिए मैं गया शादाब। शादाब में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा हाइप था कि बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले सबसे पहले एक्सप्लोर करने के लिए मैं शादाब बीच गया था, लेकिन शादाब में इतनी भीड़ थी तो फिर निकल के पेशावर हो गया था। फिर लास्ट में आया शादाब को, जब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठने जगह नहीं थी तो नीचे के सेक्शन में बैठा। तो यहाँ की बिरयानी तो वाकई लाजवाब है, इसको 5 on 5 stars देता हूँ मैं। लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है समझो, इसका उतना ख़ास मेंटेन नहीं कर रहे, लगा देख रहे नहीं सीधे से, लेकिन वाकई बहुत अच्छी है इसकी बिरयानी, यहाँ पर बहुत टेस्टी था। मैं तो ज़रा आप रिव्यू देंगे बिरयानी कैसी है भाई। मेरे को तो बहुत पसंद है इसकी बिरयानी। हाँ, शादाब फर्स्ट, शादाब सेकंड, पिस्ता हाउस थर्ड, पिशावर। बोलिए, और आप लोग भी ज़रूर आइए इधर, ज़रूर खाइए इधर आके बिरयानी, चिकन मटन जो भी बेहतरीन है। इसका दूसरा आउटलेट बंजारा इंस्टेंट आदाब गो बोलते हैं। हाँ, ज़रूर उधर भी जाइए। बाय गाइस, फॉलो शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस ये देखिए तेज बारिश हो रही बाहर, और फिलहाल मैं आ गया घर को, तो अब ऊपर जाके फाइनल रिव्यू देखे व्लॉग की एंडिंग करता हूँ मैं। तो इसका फाइनल रिव्यू ऊपर जाके जमा घर पर, क्योंकि फिलहाल तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखिए आप लोग दिखाई दे रहा हूँ। तो मेरा फाइनल रिव्यू अपनी ये तीनों बिरयानियों के एक्सप्लोर के ऊपर ये है कि मेरे को तो तीनों की बिरयानी अच्छी दिखी, लेकिन सबसे अच्छी मेरे को शादाब की बिरयानी दिखी। तो आप लोग अभी जाके खा के देखो कि शादाब की अच्छी है या पिस्ता उसकी
या पेशावर की अच्छी, अगर तीनों में से कौन सी अच्छी दिखी आप लोगों के हिसाब के ऊपर, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी तो शादाब की दिखी। तो ये था मेरा आज का डे 20 ऑफ एक्सप्लोर ऑन बेस्ट बिरयानी ऑफ हैदराबाद। आप लोगों को कौन सी अच्छी दिखती वो आप लोगों के टेस्ट के ऊपर है, लेकिन सबसे अच्छी मेरे हिसाब से तो शादाब की। तो चलिए गाइज, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते रहिए।